हमें तो जी नगेंद्र ही अच्छा लगता है जी, वो जीते या हारे जी साफ सीधी बात जानते हैं हम, चाहे वो किसी पार्टी से खड़े हो भी जाए हमें तो वही अच्छा लगता है। बाकी ये तो काम तो करते नहीं है नीरज शर्मा, घर के लिए खाने को नहीं चाहिए, हमें समाज के कल्याण चाहिए। गली ख़राब है, टूटी फूटी पड़ी है, नालियाँ ख़राब हैं, पानी की समस्या है, कई समस्याएं हैं, सुन के तो राजी है नहीं। रोड भी यहाँ से लेकर बाटा चौक स्टेशन तक सारी रोड पूरा रोड खराब पड़ा है, इतना इतना पानी भर जाता है, कोई सुनवाई है कि कोई नहीं सुनता। समस्याओं को लेके गए हो नीरज शर्मा के यहाँ? सब गए। कितनी बार? कितनी बार गए हैं, कितनी लेडीजें गई हैं, लेकिन आज तो कोई सुनवाई नहीं करता। क्या देते थे? कभी जाते हैं तो है ही नहीं, वो घर पे कहीं गए हुए हैं। नीरज शर्मा मिलते ही नहीं थे? कई बार गए हैं, मिले ही नहीं है, और फिर कभी भी गए हैं तो कि जी हो जाएगा जी, हो जाएगा जी। 3 महीने पानी नहीं आया। मंदिर के सामने, शिव मंदिर के सामने गुलशन वाली गली, उसमें 3 महीने पानी नहीं आया, मई जून जुलाई। किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? मैम नीरज शर्मा को तो नहीं देखना चाहते इस बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। चुनावी माहौल है, सरगर्मियां तेज है, बाजारों में चुनाव को लेकर मुद्दे चल रहे हैं और माहौल गर्म है। तो मैं आपको बता दूं, फिलहाल आज मैं पहुंची हूं फरीदाबाद के NIT 6 विधानसभा में और फिलहाल मौजूद हूं त्यागी मार्केट में। तो जानते हैं त्यागी मार्केट की जनता का, लोगों का, व्यापारी का क्या इस बार मुद्दा रहेगा विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या इनकी पसंद है और कैसा विधायक इनको चाहिए। तो सीधा संवाद करते हैं जनता से। देखो जो इलेक्शन हो उन्हें जो करना तो करते तो वही है, वो हमारे सबके ना तो कुछ कहने से होता बेटा ना करने से होगा, जो उन्हें उनकी समझ में आएगा करेंगे तो वही। पहले यहाँ पर अभी तक निवर्तमान जो विधायक है नीरज शर्मा है, कांग्रेस से है, सतीश पांगना जी को अभी टिकट दिया गया है बीजेपी से, इनेलो से खड़े हैं नरेंद्र बड़ाना। क्या चाहती है कि मतलब कौन से विधायक बने जो आपका काम कर सके, NIT का विकास कर सके? देखो बेटा इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते बेटा। अच्छा, हाँ मैं आपको बताऊँ। अच्छा, नीरज शर्मा के राज में विकास हुआ है? देखो जब तक नरेंद्र भड़ाना रहा ना तो कोई परेशानी नहीं हुई थी। अच्छा। देखो पानी भी आता था, रोड का भी था। अब आप देखो ना रोड पे क्या है, हमने सबने अपनी ईंटें खुद बिछवा रहे हैं, हम सब करवा रहे हैं। अब ये बच्चे निकल नहीं पाते हैं स्कूल के, तो करना पड़ता है। नागेंद्र के टाइम में काम हुआ था, नीरज के टाइम में काम नहीं हुआ? अब भाई नीरज को ये जो इनका था और लड़का, उनके पापा थे तब बहुत अच्छा काम होता था। अच्छा। अब देख लो ना, आपको तो देख लो ना क्या हो रहा है। तीन महीने पानी नहीं आया। मंदिर के सामने, शिव मंदिर के सामने गुलशन वाली गली, उसमें 3 महीने पानी नहीं आया, मई जून जुलाई। फिर कैसे गुजारा, क्या पानी? पानी नागेंद्र ने टैंकर भेजा है। नागेंद्र ने टैंकर भेजा, जब हम कंप्लेन करने गए तो टैंकर हमारे पास आया, लेकिन गली पतली होने की वजह से टैंकर अंदर नहीं जाता, रोड पे खड़ा रहता है। जब हम पानी इतनी दूर से लेके जाएं, बताओ कैसे लेके जाएं? क्या लगता है इस बार इलेक्शन है 5 अक्टूबर को? हाँ जी, हम तो कह रहे हैं नागेंद्र है तो पानी है, नागेंद्र नहीं है तो पानी नहीं है। नागेंद्र विधायक बनते हैं तो पानी की सुविधा हो सकती है? तो पानी की सुविधा हो सकती है। पहली बात, हमें नहीं पता कि हमारे डबुआ का पानी गाँव में कौन ले गया, नवादे गाँव में कौन ले गया डबुआ का पानी? जब डबुआ में पूर्ति नहीं पड़ रही पानी की सप्लाई की, तो आगे कैसे जा रहा है पानी? सबसे बड़ी समस्या NIT की मानी जाए तो पानी की। और हमारे तो सड़कें भी सारी टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हैं, भोजपुरी के सामने पानी कितना है आप खुद देखो, बच्चे स्कूल कैसे जाएं कैसे आएं? मतलब कोई विकास नहीं हुआ कांग्रेस के राज। अगर मान लो विधायक नीरज शर्मा थे विधायक NIT के, तो कोई विकास नहीं हुआ? अब हमें ये नहीं पता कि नीरज शर्मा के नहीं हुआ कैसे, लेकिन अपनी कॉलोनी का देख लो हाल, आप खुद देख लो, जगह जगह कचरा है। भोजपुरी धर्मशाला के सामने कितना कचरा है, कितनी गाय हैं, बच्चे कैसे निकले स्कूल वाले? गाय तो पूरे फरीदाबाद में कहीं भी देखो सर। हाँ भाई, इनको करना चाहिए ना अरेंजमेंट सबका। किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं NIT से? मैम नीरज शर्मा को तो नहीं देखना चाहते इस बार। अच्छा। जो सतीश पांगना जी को टिकट मिली उन्हीं को देखना चाहते हैं। सतीश पांगना जी अगर विधायक बनते हैं, चंडीगढ़ तक पहुँच जाते हैं, पहुँचाने का काम तो खैर आप लोगों का ही है, तो क्या लगता है विकास होगा? विकास होगा, ये मेरे शॉप के साथ वाले हैं, ये बता रहे कि वार्ड नंबर 8 में जो है बिल्कुल बढ़िया विकास है, तो ऑब्वियसली फिर यहाँ भी होगा ही होगा। वार्ड नंबर 8 में क्या क्या आपको अच्छा लगा, जो चाहते हैं क्या बात बताओ, जो समस्याएं थी उनको सुनते हैं, उनका निवारण भी कराते हैं, ऐसा ना? हाँ, टाइम से आपने एक बार बोल दिया, दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है उनसे। तो हम चाहते हैं कि सतीश पांगना ही हमारे नेक्स्ट विधायक हो। मैडम बारिश की पानी की वजह से
घरवाली छोड़ के भाग गई इनकी। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। देखो पैर, ये देखो गिरबड़े नाली में। नहीं नहीं नहीं, नाली नाली में गिरबड़े, पैर टूट गया दोनों। ये पैर इनका नाली के वजह से फ्रैक्चर हुआ। सफाई होती नहीं है कुछ। क्या पसंद है इस बार, कौन बताएगा? सतीश फागना, नंबर वन इंसान। नाम क्या है? मोहन साह। ये कौन सी मार्केट है जहाँ आपकी दुकान? त्यागी मार्केट है। त्यागी मार्केट, क्या माहौल है त्यागी मार्केट का इलेक्शन के लिए? तो अभी फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे तो मार्केट है। क्या लगता है किसे कौन विधायक बनेगा, किस क्या पसंद है आपकी, कैसे विधायक चाहते हैं? NIT से तो हम अच्छे विधायक ही चाहते हैं कि ताकि हमारे यहाँ की फैसिलिटी अच्छी रहे, सही सलामत रहे। जो अभी हमारे निवर्तमान विधायक हैं नीरज शर्मा रहे हैं विधायक, कितना विकास हुआ है उनके राज में? तो जो भी हुआ है थोड़ा बहुत अच्छे ही हुआ है, अच्छा हुआ है। तो हम सोचते हैं कि वैसे ये कोई विधायक को बने कि जो हमारे यहाँ के मार्केट में सही सलामत से रहे। नीरज शर्मा को ही देखने चाहते हैं या चेहरा बदलना चाहते हैं इस बार? इस बार तो अब हम तो क्या बताएं, मगर पब्लिक और पब्लिक के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या समस्या है? अच्छा, त्यागी मार्केट की कहो या NIT की कहो, तो क्या बड़ी समस्या है? NIT में तो थोड़ा यह पानी की समस्या बहुत है कि बारिश होती है पानी लग जाती है। अच्छा। यहाँ के नाले वाले अब सफाई हो रही है, अब इलेक्शन आ रही है तो पहले तो कोई पूछता भी नहीं था। अच्छा, इलेक्शनों के टाइम पे ये सफाइयाँ हो रही है, उससे पहले कोई नहीं आता ना। अच्छा, और पीने के पानी की समस्या? पीने का पानी तो अभी टाइम से आ ही रहा है। अभी आ रहा है? हाँ। वैसे आता ही रहता है या अभी इलेक्शन की वजह से ही आ रहा है? नहीं, पहले तो बीच में रुक रुक भी जाता था, एक दिन दो दिन नहीं आता था। अच्छा, अभी फिलहाल सही है। तो फिर भी आपकी कोई चॉइस तो होगी, नगेंद्र भड़ाना, नीरज शर्मा या फिर सतीश फागना, क्या लगता है? अभी तो वैसे नगेंद्र भड़ाना के लिए हम अपनी कह रहे हैं कि नगेंद्र भड़ाना जी के नगेंद्र भड़ाना अगर विधायक बनते हैं, चंडीगढ़ तक पहुंचते हैं, तो लगता है आपके जो काम है, जो समस्याएं हैं, कुछ हो जाएगा? कुछ हो जाएगा। हाँ जी, उम्मीद है। चंदर, चंदर जी NIT के रहने वाले? हाँ जी, यहीं के रहने वाले। अच्छा। तो ये कौन सी मार्केट लगती है जी? ये त्यागी मार्केट है। त्यागी मार्केट, तो किससे विधायक बना रहे हैं इस बार? नगेंद्र। नगेंद्र को पता है कौन सी पार्टी में है नगेंद्र? कौन सी, मैं तो भूल जाता हूँ। अपने ये मतलब पहले BJP में थे, BJP में टिकट नहीं मिला, तो कौन सी पार्टी में आ गए? इनेलो में आ गए अब? हाँ, इनेलो। अगर वो लड़ेंगे तो उन्हें वोट देंगे, नहीं लड़ेंगे तो वो, क्या नाम बताया उनका? नीरज शर्मा को देंगे। अच्छा। हाँ, नीरज शर्मा को भी टिकट मिला है, नगेंद्र भड़ाना को भी मिला है, तो आपकी चॉइस क्या है? आप किसे चाहते हैं विधायक के रूप में? नगेंद्र को। नगेंद्र को नाम नगेंद्र के ऊपर वोट देना चाहेंगे, काम के ऊपर वोट देना? काम के ऊपर देना चाहेंगे जी। काम के ऊपर? पहले वो BJP का प्रचार कर रहे थे, BJP से टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिली, अभी इनेलो में आ गए, तो लगता है कि अभी इनेलो में आकर काम करवाएंगे? हाँ बिल्कुल करवाएंगे, अगर जीतेंगे तो। और आप क्या नाम है? जी, मेरा नाम कुंदनलाल जी। हमें तो जी नगेंद्र ही अच्छा लगता है जी, वो जीते या हारे जी, साफ सीधी बात जानते हैं हम। चाहे वो किसी पार्टी से खड़े हो, जैसे भी जाए, हमें तो वही अच्छा लगता है। बाकी ये तो काम तो करते नहीं है नीरज शर्मा, इनके लिए कई बार बुलाया हमने, हमें कुछ घर के लिए खाने को नहीं चाहिए, हमें समाज के कल्याण चाहिए। गली ख़राब है, टूटी फूटी पड़ी हैं, नालियाँ ख़राब हैं, पानी की समस्या है, कई समस्याएं हैं, सुन के तो राजी है नहीं। हमारे यहाँ अभी भी नहीं है ये नगेंद्र जी, अगर बुलाते हैं तो हमारे यहाँ काम तो कर जाते हैं कम से कम। फिर भी अभी सरकार में नहीं, तब फिर भी काम करके जाते हैं। 10 बार आए होंगे, हमारी गली का ट्यूबवेल ख़राब हुआ है, उन्होंने सही कराया है। हाँ जी, पानी की सबसे बड़ी समस्या है, आदमी का पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेन चीज़ समस्या पानी की है, पानी तो हर चीज़ में चाहिए ना। अब जब भी हम उनके लिए फ़ोन करके ही बुलाते हैं, कभी भी समस्या लेके जाते हैं तो वो हर बार आते हैं। आदमी वही चाहिए हमारे लिए अच्छा, वो सुनते भी है सबकी। सब चंडीगढ़ तक पहुँच जाएंगे नगेंद्र भड़ाना? हाँ बिल्कुल, पहुँचना चाहिए हमारे तो उनके लिए है जी। देखो हम तो जो कहेंगे, जो हम ये नहीं कह रहे कि नीरज शर्मा गलत हैं, नीरज शर्मा हमारी सुने, कम से कम जनता यही सोचती कि हमारी सुने। हमें कोई घर को खाने को नहीं चाहिए, पब्लिक में आए और हमारी भी सुने। अगर कोई बात अगर गलत दिख रही है उनकी आंखों से तो उसको सुधारें, यही चाहते हैं हम, और क्या चाहते हैं। पर वो भी सामने नहीं तो मन दुखता है, किसको जिताए फिर बताओ आप। वोट है, वोट देंगे, वोट बिल्कुल देंगे हम, वोट ख़राब थोड़ी नहीं करेंगे हम। पर अब कोई भी जीते इससे तो हमें कुछ वोट तो है नहीं, समझ बस ये है जी। क्या कहना चाहेंगे अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद अख। किससे विधायक बना रहे हैं NIT से? अब विधायक तो कोई भी हो जाए, कोई ऐसे ही है, सब काम कोई सुनता है, कोई ना कोई काम करके देते ही नहीं है, और क्या। नीरज शर्मा जी है यहाँ के निवर्तमान विधायक,
इनने भी क्या कराया, कुछ नहीं, ऐसे ही है, कोई कोई कुछ नहीं कराता, अपने अपने सब देखते हैं। कभी समस्याओं को लेके गए हो नीरज शर्मा के यहाँ? सब गए। कितनी बार? अच्छा, कितनी बार गए हैं, कितनी लेडीजें गई हैं, लेकिन आज तो कोई सुनवाई नहीं करते। क्या कह देते थे? कभी जाते हैं तो है ही नहीं, वो घर पे कहीं गए हुए हैं। नीरज शर्मा मिलते ही नहीं थे? कई बार गए हैं, मिले ही नहीं है। और फिर कभी भी गए हैं तो कि जी हो जाएगा जी, हो जाएगा जी। हमारी गली की पुली इतनी ख़राब हुई थी कि पुलिया, मतलब वो भी अभी तक सही नहीं हुई। ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो आप ही देख लो, हमारे कहने से क्या है, ये तो आप भी देख सकते। रोड भी यहाँ से लेके बाटा चौक स्टेशन तक सारी रोड, पूरा रोड ख़राब पड़ा है। कितना इतना पानी भर जाता है, कोई सुनवाई है कि कोई नहीं सुनता? कोई विधायक हो जाए, एक्स वाई जेड, कोई सुनते ही नहीं है। तो इस बार आप क्या चाहते हैं, मतलब कैसे सरकार चाहते हैं? अब कोई बात वही है, ढाक के तीन बात वही है कि किसी को भी बना दो, सब अपना देखते हैं। गरीब का कोई देते ही नहीं, देखते ही नहीं है। हमें तो, हमें रेड़ा पेलना है, रेड़े ही पेलेंगे। हमारा तो काम वही है, बस वही काम करेंगे हम तो। आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा बताइए। मैं तो यहीं से हूँ। एनआईटी में कितना विकास हुआ है नीरज शर्मा के नाम? मैं तो नहीं इस बारे में जानती। इलेक्शन है ये पता है? हाँ जी, ये तो। तो किसे मतलब विधायक बनाना चाहती है ये भी पता है? कौन कौन खड़ा है पार्टी से, किस पार्टी से? मैं नहीं, मैं बस बच्चों को स्कूल लेना है। कुछ लोग ऐसे भी है, यही नहीं पता इलेक्शन है, ये पता है, ये नहीं पता, बस बाहर से ज्यादा मतलब निकलना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।